हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी का यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर, विच इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस चैप्टर से भी आपका ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बट 10 मार्क्स का तो नहीं आया अभी तक। सो 5 मार्क्स का तो आता ही है, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट कि क्या है। तो NCPCR क्या है? द NCPCR वॉज सेटअप इन मार्च 2007 अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। जो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसका मतलब ये नेशनल कमीशन का मतलब है कि ये पूरी कंट्री के लिए कमीशन है जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें क्या है, ये सेटअप हुआ था मार्च 2007 में, 2007 में, और ये किसके अंडर सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंडर। जो कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ये इसके अंडर सेटअप किया गया था मार्च 2007 में। इट इज़ मैंडेट टू एंश्योर ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिक्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल इसको मैंडेट किया गया है कि ये, मतलब इसकी ये ड्यूटीज़ हैं, प्रॉपर ड्यूटीज़ है कि इंश्योर करेगा सारे लॉज को, सारी पॉलिसीज़ को, सभी प्रोग्राम्स को, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है या कुछ भी मैकेनिक्स होता है, कि वो सभी के सभी चाइल्ड राइट्स के हित में होने चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर भी स्टेट किया गया है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये इसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस और पावर्स क्या है NCPCR के। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शंस एंड पावर्स हैं, टू एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड फॉर रिकमेंडिंग मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जामिन करते हैं, ये रिव्यू करते हैं कि जो भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं लॉज के अंडर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी मेजर्स रिकमेंड किए गए हैं चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो रहा है, ये इसकी ड्यूटी है। टू इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये इंक्वायर कर दे कि कोई भी बच्चे का राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, एंड ये फिर इनिशिएट करता है डिफरेंट प्रोसीडिंग्स को। मैं ये बता दूँ कि जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जो फंक्शंस या ड्यूटीज़ है या जो पावर्स हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सेम नेशनल कमीशन के, इसमें बस कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं तो वही हम पढ़ रहे हैं। एंड कुछ पॉइंट्स अगर आप, मैं बता दूँ, अगर आपसे NCPCR के पॉइंट्स आपको याद नहीं आते कि उसकी फंक्शन या पावर क्या है, तो आप दिल्ली कमीशन वाले पॉइंट्स लिख देना, आपको फॉर श्योर मार्क्स मिलेंगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों के मतलब सेम है। वो भी देखता है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये भी देखता है, वो इंक्वायर करता है कि वायलेट तो नहीं हो रहे चाइल्ड के राइट्स, वो सभी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवाता है, ये भी करवाता है। टू एग्जामिन ऑल फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये एग्जामिन करता है सभी फैक्टर्स को जो भी, मतलब, हो रहे हैं बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए। इट अंडरटेक्स एंड प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये अपने अंडर में लेता है जो भी रिसर्च हो रही होती है और प्रमोट करता है चाइल्ड राइट्स की फील्ड के अंडर। नेक्स्ट है, इट स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये स्प्रेड करता है चाइल्ड राइट्स की, चाइल्ड राइट्स के बारे में ईजी लैंग्वेज में, सो डेट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पता चले कि उन्हें, मतलब, अवेयरनेस होनी चाहिए चाइल्ड राइट्स के बारे में। एंड नेक्स्ट है इसका, लेकिन ये मैंने लिखा नहीं हुआ, इट प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ द सेफ गार्ड्स अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स थ्रू मीडिया, सेमिनार एंड पब्लिकेशंस। ये वही दिल्ली कमीशन वाले ही फंक्शन एंड पावर है कि ये प्रमोट करता है कि अवेयरनेस फैलाता है, सभी को सेफगार्ड्स मेजर्स बताता है जो भी अवेलेबल है बच्चों के राइट्स के लिए। और ये सब कैसे प्रमोट करता है, ये मीडिया के थ्रू प्रमोट करता है, सेमिनार्स कंडक्ट कराता है अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस के थ्रू, मैगजीन पब्लिकेशंस के थ्रू, ये सब ये प्रोवाइड करता है, फैलाता है अवेयरनेस बच्चों की चाइल्ड राइट्स के बारे में। ये नेशनल कमीशन के हमारे पास पावर्स एंड ड्यूटीज़ थी। सो होप सो आपको ये लास्ट टॉपिक पे अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड यहाँ पे हमारा ये यूनिट ख़त्म होती है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड नए अपडेट्स के लिए ना नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस अप कर देना। बाय।